तो आप सभी को भाई चेंग तो आज के बात करने बोलो यहाँ पे जेकेपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के बारे में, यानी कि एग्जाम सिलेबस के बारे में। काफी सारे कैंडिडेट के यहाँ पे कमेंट आ रहे हैं कि सर एग्जाम का जो सिलेबस है वो यहाँ पे कब जारी किया जाएगा JKSSB के द्वारा। तो देखिए थोड़े दिन के अंदर जो आपका एग्जाम का सिलेबस है वो यहाँ पे जारी हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ये जो आपका जेकेपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस है, 80% आपका JEE सिलेबस रहेगा, 20% जो नया सिलेबस है आपका वो यहाँ पे ऐड होगा। ये चीज मैं आपको क्लियर बता दूं। ये देखिए सबसे पहले आपके ये जो सिलेबस के टॉपिक हैं ये आपके सामने हैं। JEE सिलेबस आपको बता दूं यहाँ पे क्लियर, मैं आपको बता दूं JEE जो सिलेबस आपका 80% वो यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। ये देखिए ये 80% आपका JEE जो सिलेबस है वो यहाँ पे रहेगा JKP पुलिस कांस्टेबल के रिटर्न एग्जाम के लिए। ये सिलेबस है, ये टॉपिक आपके 80% यहाँ पे रहने वाले हैं और 20% जो नया सिलेबस है वो यहाँ पे ऐड होगा JKSSB के द्वारा, ठीक है। थोड़े दिन के अंदर यहाँ पे दोबारा ऐड जो है वो यहाँ पे 20% वो यहाँ पे कर दिया जाएगा। बाकी आप सबको यही कहना चाहूंगा भाई, अच्छे से यहाँ पे एग्जाम की तैयारी रखिए, क्योंकि इस बार जो कॉम्पिटिशन है वो काफी ज्यादा हाई लेवल का रहने वाला है। अगर आप JKP पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम पास करना चाहते हैं तो हमारे पास JKP पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के पूरे 45 PDF आ चुके हैं, जिनमें आपको 6000+ क्वेश्चन विद आंसर मिलेंगे, जिसका प्राइस हमने ओनली 330 यानी कि ₹330 हमने इसका प्राइस रखा। मैं आपको बता दूं हमारे 45 PDF में से लगभग भाई 60 से 70% जो क्वेश्चन है JKP पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आएंगे। प्राइस हमने सिर्फ 330 यानी कि ₹330 रखा है। अगर आपको ये PDF लेने हैं, नीचे हमारा WhatsApp नंबर दिया गया है, दिए गए WhatsApp नंबर पे अभी मुझे मैसेज करिए। जैसे आप मुझे WhatsApp पे मैसेज करोगे मैं आपको पेमेंट वाला नंबर दूंगा, आपने 330 पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है, उसी टाइम 2 मिनट के अंदर जो PDF है वो आपको आपके WhatsApp पे मिल जाएंगे। तो अब यहां पे मैंने आपको बता दिया ये जो सिलेबस है 80% आपका JEE सिलेबस रहने वाला है, 20% आपका जो न्यू सिलेबस है JKSSB के द्वारा वो यहाँ पे ऐड किया जाएगा थोड़े दिन के अंदर। तो बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा जल्दी एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत।